हेलो डियर स्टूडेंट्स, टीओई मिशन मैथमेटिक्स 29 सितंबर। बेटा आज हमारे पास क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 250 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 302 रुपये है। तो 1 पेंसिल और 1 पेन का मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ऐसे में, 1 पेंसिल और 1 पेन का मूल्य को, कॉस्ट को हम कुछ मान लेंगे। माना 1 पेंसिल का मूल्य बराबर x और माना 1 पेन का मूल्य बराबर y। अब आप क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। 5 पेंसिल, तो 1 पेंसिल के लिए अगर x रुपये देते हो तो 5 के लिए कितने दोगे, 5x है ना, और 7 पेन तो 7y हो गया। टोटल कितना दे रहे हैं, 250 रुपये, तो ये 250 के इक्वल हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेंसिल दैट मीन्स 7x प्लस 5y इक्वल टू 302। अब बेटा ये सिस्टम आपने कंप्लीट करने के बाद, ध्यान से इक्वेशंस बनाने के बाद, अब नेक्स्ट काम हमारा है कि इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे मेथड आपको आते हैं। अब आपको देखना है कि मैं कौन सा मेथड बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, वही आप अप्लाई कर दोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 है, इसका कोफिशियंट यहाँ 7 है, और हमें किन्हीं दोनों का सेम बनाना होता है। तो इसको 7 से करें मल्टीप्लाई तो 35 हो जाएगा, और इसको 5 से करें तो 35 हो जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये है, तो हम इसी तरीके को यहाँ फॉलो करते हैं। इसको नंबर 1 और नंबर 2 दे दिया। अब पहली इक्वेशन को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी को 5 से, जिससे कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाए, 35, और यहाँ पे भी 35। हमें एक का कोफिशियंट सेम बनाना होता है, एक की टर्म, एक वेरिएबल की टर्म सेम बनानी है आपको, है ना। आप चाहें तो इधर 5 से और इधर 7 से भी गुणा कर सकते हैं, जिससे y सेम बन जाएगा, लेकिन यहाँ हम x को बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने लिख दिया पहले, इस पूरी इक्वेशन को 7 से गुणा करना है, इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के आपने बाहर 7 लिख दिया, जिससे गलती ना हो, ध्यान से हमें पता चल जाए कि इस पहले वाली को 7 से गुणा करना है। ऐसी दूसरी को ब्रैकेट में डाल के उसके बाहर 5 से गुणा का साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 7 5 = 35 और 7 7 = 49। फाइनली हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशन इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप देख रहे हो कोफिशियंट तो सेम हो गए, लेकिन ये भी जमा, ये भी जमा, और हमें इन्हें काटना है। तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना, निशान बदलने पड़ेंगे। इसको दे दिया 3 नंबर, इसको 4। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 घटाया, तो इसका घटा साइन हो गया, यहाँ पे जमा की जगह ये भी घटा हो गया और यहाँ पे भी घटा हो गया। अगर घटा होता तो साइन क्या बन जाता, जमा। अब आप देख रहे हैं 35 में से 35x गए, कट गया, 0 बच गया, x की टर्म तो ख़त्म हो गई। 49y में से 25y जब हम माइनस करेंगे तो बचा 24y, और यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचा 240। कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 24 डिवीज़न में चला जाएगा एंड y इक्वल टू 10, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, आगे इम्प्लाइज का साइन ज़रूर डालना होता है इक्वेशंस में। नाउ पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी ये थी, 5x + 7y = 250। तो y की जगह 10 रखा बेटा आपने, ये बन गया आपके पास 5x + 70 = 250। अब क्या करेंगे, 70 को सबसे पहले इधर माइनस करेंगे, 250 में से माइनस किया 180। अब 5 डिवीज़न में चला जाएगा, x = 36। फाइनल आंसर आप बॉक्स में डालेंगे, हाईलाइट करेंगे, दैट मीन्स पेंसिल की वैल्यू 36 रुपीज़ है और y जिसको हम पेन माना था वो 10 रुपये का है। दिस इज़ योर आंसर। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।